नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूँ ओके पूना आशीष और मेरे साथ है गोविंद जी। और गोविंद जी के बारे में मैं आपको बताती हूँ, जो कुमाऊनी द्वार फेस्टिवल महोत्सव जो मनाया गया है, जो इतना लोगों की जुबान पर चढ़कर बोला है, सिर पर चढ़कर इसका जादू बोला है, इनके पीछे, इस पूरे महोत्सव के पीछे गोविंद जी का हाथ रहा है। हाउ यू, कैसे हैं आप? नमस्कार। मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ अरे, आपका जी फेस्टिवल तो बाप रे, लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है उसका असर। बिल्कुल। हैप्पी? हाँ जी, थैंक यू। हाँ, काफी लोगों का बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला। कुमाऊं द्वार महोत्सव हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इसको किया यहाँ पे हल्द्वानी में, क्योंकि हल्द्वानी जो जगह है हमारे उत्तराखंड की मतलब बॉर्डर है, और जो कुमाऊं वाला क्षेत्र है वो हल्द्वानी से शुरू होता है, तो एग्जैक्टली रुद्रपुर से शुरू होता है, बट हम लोग वैसे पहले से हल्द्वानी को कुमाऊं द्वार बोला जाता है। मतलब वहां से कुमाऊं पहाड़ अच्छा, में आप एंटर करते हैं एक्चुअली, जो तो इसलिए कुमाऊं द्वार महोत्सव करके हमने एक फेस्टिवल किया 5 दिन का, और ये पहले टाइम में ही बहुत ज्यादा सक्सेस रहा, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया लोगों ने बहुत एंजॉय किया। अब आप मुंबई से अगर इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप सोचिए फिर कितना इसका रहा होगा। थैंक तो यू। ये पहला साल तो नहीं है, कब, कहाँ से आपके इस जेहन में एक बात आई, कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि ऐसा कुछ किया जाए? हाँ, एक्चुअली हम लोग अपने उत्तराखंड संगीत के लिए हम बहुत समय से काम कर रहे हैं। हमारी प्रोफेशनली भी यही हमारा प्रोफेशन है, हम लोग गाते हैं बजाते हैं, हमारा स्टूडियो है, हमारी अपनी टीम है, होती है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे उत्तराखंड में। तो फेस्टिवल तो हम लोग और जगह भी करते हैं, बट ये है कि पूरा मतलब 0 से लेके 100 तक अपने ऊपर लेके ये पहला इवेंट था हमारा। अदरवाइज हम लोग अदर इवेंट करते हैं तो वहां पे क्या है, कोई भी सोसाइटी या कोई एक बॉडी होती है जो करा रही होती है, और जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है कि भाई आपको ये करके देना है। बट हमने अच्छा, पहली बार आर्टिस्टों ने सामने से मिल के हम लोगों ने मतलब इसको पूरा 0 से हमने स्टार्ट किया, और लोगों ने बहुत ज्यादा साथ दिया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया सारे लोगों ने। आर्टिस्टों ने रात दिन मेहनत की और गाना भी गाया और फील्ड में काम भी किया, दौड़ बाप भाग रे, भी की, व्यवस्थाओं को भी देखा, अरेंजमेंट भी देखे, और सारी चीजों को आर्टिस्टों ने मैनेज किया। तो इसलिए पहले साल ये बहुत स्मूथली और बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस हुआ, और बहुत ज्यादा साथ दिया हमारे लोगों ने, जो हमारे उत्तराखंड के जो संस्कृति प्रेमी जनता है वो जी बिल्कुल जी टूट के आए, और इतने ज्यादा आए कि हमेशा फील्ड पूरा भरा रहा हमारे 5 के 5 दिन प्रोग्राम में। और जब पवन का प्रोग्राम हुआ फिर उस दिन तो खैर वो रिकॉर्ड ही टूट गए बहुत सारे, क्योंकि पवन बहुत अच्छा आर्टिस्ट भी है और उसकी एक बहुत अच्छी बड़ी पहचान भी है, इंटरनेशनल फेम है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उत्तराखंड से है और इन्हीं लोगों के बीच से स्ट्रगल करके वहां पर पहुंचा है। हम लोगों के साथ बचपन से उसने काम किया है, आप लोग देखते होंगे, तो हाँ जी, इसलिए लोगों ने जो है उसके शो को और ज्यादा प्यार दिया। बिल्कुल और बिल्कुल, धन्यवाद मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से करना चाहूंगा हमारी उत्तराखंड सरकार का, हमारे जो नैनीताल जिले का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन प्रशासन, सब लोगों ने हम कलाकारों को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया कि हमें बस जाने की जरूरत थी, सारे काम खुद को खुद ब खुद हो रहे थे, और अरे बहुत वाह, इजीली सारा कुछ हो गया बहुत ही वेरी आसानी से। इस नाइस। बार हमने इसको अप्रैल में प्लान किया तो अप्रैल में थोड़ा सा गर्मी शुरू हो जाती है, तो इसलिए हमारे जो कार्यक्रम हुए वो 4 बजे बाद शुरू हुए। तो हम अच्छा, लोगों ने दिन के जो कार्यक्रम रखे थे वो एकल गायन प्रतियोगिता, हमारे उत्तराखंडी लैंग्वेज से रिलेटेड उत्तराखंडी गीतों की नृत्य प्रतियोगिता हमने की, और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पार्ट जो अलग था वो ये था कि जो हमारी व्यंजन प्रतियोगिता थी, हमारे उत्तराखंड का जो खान पान है उसका हमने कॉम्पिटिशन रखा हुआ था, और उसका कारण ये है कि कॉम्पिटिशन के माध्यम से हमारा जो खान पान है, उत्तराखंडी फूड है, वो प्रमोट हो। हम सीएम साहब से मिले, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी से मिले, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है आप लोग करें, हम आपके साथ हैं। और हम हमारे जो हल्द्वानी नगर निगम के मेयर साहब हैं रोतेला जी, उनसे मिले, उन्होंने कहा बिल्कुल गोविंद भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, आप कलाकारों के साथ हम हमेशा है, नगर निगम आपके साथ है। तो बात, अगर मैं पवनदीप, इनके पापा जी भी, इनफैक्ट उन्होंने भी परफॉर्मेंस किया, मैं जी वो जी सुन भी रही थी, उनको एक दिन पहले भी उन्होंने स्टेज पर आए थे। सो पवन की जब बात आती है, तब पवन को चुनने के पीछे कोई कारण रहा? एक तो वो खैर उत्तराखंड के हैं, इससे बड़ा कोई कारण नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या लोगों की इच्छाएं थी, क्या लोगों ने आपको कहा था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए पवन जब भी हमारे किसी भी उसने जो रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया तो आपने ध्यान दिया होगा कि उत्तराखंड से उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट हुआ है हमेशा,
उत्तराखंड के लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और बहुत ज्यादा प्यार दिया है। और इसके पीछे मेन चीज ये थी कि पहले हम लोग वहां उस लेवल तक लेके जाने के लिए डरे हुए थे कि इतना ज्यादा कैसे मैनेज होगा पहली बार में ही। लेकिन जब हम लोग कुछ टाइम पहले अभी मुंबई आए थे तो पवन के पास थे हम लोग उसके घर पे, तो पवन को मैंने ऐसे शेयर किया बात की ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो पवन ने बोला दा आप करो हम आपके साथ आ गए मैं आऊंगा। फिर कुछ समय बाद उसने बोला अरुणिता भी आएगी आप करो, तो हमारी हिम्मत बढ़ गई और हमने भी यहाँ पे लोगों से अपने आर्टिस्टों से अपनी टीम से डिस्कस की, तो सबने बोला पवन आ जाएगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो फिर कोऑर्डिनेट हुआ और पवन के पापा भी थे हमारे साथ हमारी टीम में, तो फिर फाइनली पवन का प्रोग्राम हमने फाइनल कर दिया और पवन ने बहुत ही ज्यादा धमाल मचाया पवन और अरुणिता ने यहाँ पर। और उसके बाद पवन से मेरी बात हुई, पवन ने बोला दा बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने किया, उसने हमारे इस कार्यक्रम को भी अप्रिशिएट किया और स्वयं भी उसने जो है उत्तराखंड के लोगों को का बहुत सारा प्यार लेके यहाँ से गया। और जल्दी फिर से हम पवन का एक शो और करने वाले हैं, ये थोड़ा सा अभी सरप्राइज है, ये जल्दी ही होगा और वो एक ही दिन का एक पवन और अरुणिता का शो हम आसपास ही करने वाले हैं, और तो बहुत जल्दी फिर से पवन से मुलाकात होगी लोग जी। तो पवन जो पहले आपसे बचपन में मिला करते थे वहां से लेकर अब जब वो इंटरनेशनल स्टार बन गए हैं, कुछ अंतर आपने ऑब्जर्व किया? मैं बोल रही हूँ हम्बल वो है लेकिन एक होता है ना एक कलाकार की उन्नति होती है प्रगति होती है, तो कितना अंतर पाते हैं उस लिहाज से आप? जी देखिए उसकी कलाकारी में परफॉर्मेंस में तो बहुत अंतर है, ऑब्वियसली जब आदमी दुनिया देखता है तो बहुत सारी चीजें सीखता है, बट उसके बिहेवियर में वो लगभग 6-7 साल का था तब से हम लोगों से जुड़ा हुआ है। अच्छा। तब से हमारे साथ, मतलब तब वो तबला बजाता था, फिर बाद में एज ए रिदमिस्ट बहुत साल हमारे साथ, बहुत शो हम लोगों ने साथ में किए, महोत्सव मेले ऐसे ही करते थे हम लोग, तो पूरे पूरे 10-10 दिन के मेले में हम लोग साथ में रहते थे। और फिर मैं हल्द्वानी शिफ्ट हुआ तो फिर हल्द्वानी में भी धीरे धीरे इंट्रोडक्शन हुआ और फिर उसने गाना भी शुरू किया और आज रिजल्ट आप लोगों के सामने है। बट उसका जो नेचर है एज ए ह्यूमन बींग वो बिल्कुल भी नहीं बदला, वो वैसे ही आता है वैसे ही मिलता है, आज भी घर में आता है तो सीधे किचन में घुसता है सारा कुछ उसको, मतलब कभी पानी का ग्लास देने की फॉर्मेलिटी भी हमने आज तक नहीं की, ये उसका बड़प्पन है, अपने घर की तरह ही आता है, अपने घर की तरह रहता है, घर की तरह बैठता है और घर की तरह प्यार आज भी वैसे ही देता है। और मैं तो ये भी चाहूंगा ये भी कहूंगा ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि उसका ये नेचर उसको बहुत बड़ा बनाता है और ये नेचर उसका हमेशा बना रहे और बस कलाकारी को आगे बढ़ाता रहे और हमारे उत्तराखंड का देश का नाम रोशन करता रहे। तो बचपन में जब आप साथ में जाया करते थे तो मैं हमेशा ये सुनती है कि वो हमेशा चुप रहने वाले या ज्यादा बदमाशी ना करने वाले बच्चों में से रहा है। गोविंद जी मुझे ये बताइए कि कभी आपके साथ मिलके कभी किसी के लिए बदमाशी की हो, कोई शैतानी की हो, कभी ऐसा कुछ तो किया होगा पवन ने? ऐसा कुछ याद ही नहीं आता एक्चुअली, क्या है ना वो हमेशा म्यूजिक में ही डूबा रहा। अच्छा। हमेशा म्यूजिक में डूबा रहा है, मतलब वो आप यकीन मानिए मैं अभी की बात बताता हूँ आपको, जब अभी शो से पहले हम लोग मेरे घर पे थे स्टूडियो में बैठे थे हम दोनों, तो मैं और वो बात कर रहे थे और उसके हाथ हारमोनियम में भी थे, बात करते करते भी 2 लाइन गा ले रहा था वो। अच्छा। फिर और बात आगे, मतलब वो हमेशा म्यूजिक में डूबा रहा, गाने में डूबा रहा, उसकी उस मेहनत का नतीजा ऊपर वाले ने और हमारे लोगों ने जो है उसको जम के दिया है, बहुत खूब बरसा के दिया है। किस्सा याद आ रहा है मुझे। हाँ। हम लोग खटीमा में उत्तरायणी के कार्यक्रम में थे तो ये लोग झूले में बैठे खुशी और ये वो बड़ा वाला जो झूला होता है ऐसे को, हाँ जी, हाँ जी। बड़ी चरखी हो। हाँ हाँ। तो ये लोग चरखी में थे, इसका फोन गिर गया नीचे ऊपर से, तो फिर ये दोनों मेरे को एकदम बोल नहीं पा रहे थे, इसकी दीदी और ये खुशी और ये, तो हमारी शादी के बाद की बात है। हाँ। खुशी और मेरी शादी के बाद की बात है, तो फिर बड़ी मुश्किल से खुशी ने डर डर के कहा वो ना पवन का फोन गिर गया, और नीचे आके ढूंढा तो मिला नहीं, उतनी भीड़ में वो मिला था एकदम, तो वो मिला नहीं, तो फिर बड़ा मायूस हो गया क्योंकि नया नया थोड़ा एंड्रॉइड का जमाना था उस टाइम पे हम लोगों के लिए। हाँ। हम लोग पहले इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। हाँ। तो
फिर मैंने उसको सेम डे एक फोन करीब से दिया 8,000 का, मुझे आज भी याद है। तो बड़ा खुश हो गया था और गले लगा लिया था उसने मुझे। तो काफी अच्छा टाइम हम लोगों ने साथ में बिताया है। उसके मम्मी पापा को भी मालूम है हमारे उत्तराखंड की इंडस्ट्री को, म्यूजिक इंडस्ट्री लोगों को सबको मालूम है कि पवन और हम लोगों ने बहुत साथ में समय बिताया है। बिल्कुल जाना चाहूंगी अरुणिता के लिए कैसे क्या रिस्पांस मिला आपको?